अब आगे करते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर्स हूज पोजीशन इट ऑक्यूपाइज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लखनऊ। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ना अल्फाबेट वाले, उसमें ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, ए बी सी डी एफ जी एस तक लिख लेना, क्योंकि गलती हो जाती है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ P Q R S T U V W X Y एंड Z, ठीक है। अब इसने बोला कि हमने तो रिवर्स कर दिया इसको, है ना, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब Z की जगह A आ जाएगा। तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, लाल पेन से लिख देते हैं, इसकी जगह Z आ जाएगा। उल्टा लिखते चले जाओ, मतलब यहाँ से A B C D स्टार्ट कर दो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर लखनऊ जो वर्ड था, जो नॉर्मल ए बी सी डी लिखी थी सेम सिंपल ऑर्डर में, तो लखनऊ जो है वो अब क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख लो, एल की जगह क्या आ गया, एल की जगह ओ आ गया है ना। यू की जगह क्या आ गया, यू कहाँ गया, यू इधर है ना। यू की जगह एफ आ चुका है, सी की जगह एक्स आ चुका है, के की जगह क्या आ चुका है, के की जगह आ चुका है, के कहाँ गया, के कहाँ गया, के की जगह पी आ चुका है ना। और एन की जगह क्या आ चुका है, एन की जगह एम आ चुका है, ओ की जगह एल आ चुका है, और W की जगह D आ चुका है ना। तो करते चलो, बस लिखना है और तो कुछ करना ही नहीं। अब देख लो कौन सा है, L की जगह O है तो O है, और U की जगह क्या है, U की जगह F है तो यहाँ पे भी F है। उसके बाद C की जगह क्या है, C की जगह X है तो ये X है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, K, K पे क्या है, P है तो यहाँ पे P आ गया। उसके बाद N की जगह M है तो M आ गया। उसके बाद O की जगह क्या है, O की जगह L है तो L आ गया, और W की जगह D है तो D आ गया। तो ये आंसर क्या हो गया, D हो गया, है ना। समझ में आ गई बात, सिंपल है। भले थोड़ा टाइम लग सकता है इसको A B C D लिखने में, बट आंसर सही आएगा इससे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन ही लूजेज अ मैच। तो 150 प्लेयर हैं जो आपस में मैच खेलेंगे, ठीक है, 150 प्लेयर हैं जो आपस में मैच खेलने वाले हैं। प्लेयर जो है, जो भी हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज़ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और अ ड्रॉ, कोई भी ड्रॉ नहीं होता है, या तो कोई जीतता है या तो कोई हारता है। तो हमसे पूछा है कितने मैचेस खेले गए हैं टूर्नामेंट में, ठीक है। तो ठीक है भाई, 150 लोग थे, तो 150 लोग में क्या होगा, पहले 75 वर्सेज 75 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ मैचेस, कैचेस विन मैचेस, मैचेस, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं कितने लोग एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेटेड, और यहाँ पे लिखते हैं कितने लोग आगे गए, विंस, विंस, या फिर कितने लोग बेसिकली आगे गए उनका हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, तो मैचेस देखते हैं। तो पहले 150 लोग थे, तो 150 में से 75 वर्सेस 75 हुआ, तो 75 मैचेस हुए पहले, तो सबसे पहले कितने मैचेस हुए, 75 मैचेस हुए, ठीक है, 150 लोगों के साथ 75 मैचेस हुए, 75 वर्सेस 75। तो 75 हारे होंगे, 75 जीते होंगे, तो कितने लोग जीते, 75 जीत गए, 75 एलिमिनेट हो गए। तो अब कितने लोग बचे हैं, अब 75 बचे हैं। अब 75 में से ऑब्वियसली आधे, तो आधे मैच, मतलब मैच तो दो के बीच में ही होगा ना, तो इसका मतलब एक को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगी, वो आगे चला जाएगा, मतलब एक जो है वो ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो 75 लोगों में से एक जो बंदा है,
वो ऐसे ही आगे चला गया इधर, उसको ऐसे ही अगले राउंड में जगह मिल गई, और बाकी जो 74 बचे, 74 जो बचे इसमें से है ना, उनके मैचेस हुए, जो 74 बचे उनके मैचेस हुए, तो 74 में से जो आधे लोग हैं दैट इज 37, 37 वर्सेस 37 हुआ होगा, तो इसका मतलब मैचेस कितने हुए, 37, 37 मैचेस में से 37 लोग जीते होंगे और 37 लोग हारे होंगे, तो 37 लोग तो एलिमिनेट हो गए, और बचे कितने, 37। अच्छा, एक जना पहले से ही आगे नेक्स्ट राउंड में आ गया था, तो अभी टोटल लोग कितने बचे हैं, 38। अब इन 38 लोगों का मैच हुआ है, अब 38 लोगों में से कितने मैचेस हुए होंगे, 19 वर्सेस 19, तो टोटल मैचेस कितने हो गए, 19, है ना, 19 मैचेस हुए तो 19 लोग जीते होंगे और 19 लोग हारे होंगे। फिर अब सिंस 19 तो इवन नंबर है नहीं, तो एक को आगे एंट्री मिल जाएगी, एक को ऑलरेडी आगे एंट्री मिल जाएगी, तो बचे कितने, बचे 18, 18 में से क्या होगा, 9 वर्सेस 9 होगा, तो 9 मैचेस और होंगे, उसमें से 9 लोग जीतेंगे और 9 लोग हारेंगे, फिर यहाँ पे कितने हो गए, 10 लोग हो गए। अब 10 में से 10 बचे तो 5 वर्सेस 5 कर सकते हैं हम, तो 5 मैच और हो जाएंगे, उसमें से 5 लोग जीतेंगे और 5 लोग हारेंगे, फिर 5 एक इवन नंबर नहीं है, तो फिर एक को एंट्री मिल जाएगी आगे की तरफ, तो एक फिर आगे आ गया, तो बचे कितने, 4 बचे, तो 4 में से 2 वर्सेस 2 का मैच हो जाएगा, तो टोटल मैचेस हुए 2, और यहाँ पे 2 ने जीता और 2 ने हारा, अब टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे कर लेते हैं विंस लॉस, तो कहाँ पे बचा था हमारा, 3 हो गए थे हमारे, है ना, जस्ट अ मिनट, तो 3 हो गए थे। अब 3 फिर से एक इवन नंबर नहीं है, तो एक को आगे एंट्री मिल जाएगी, और बचे कितने 2 लोग बचे, उनमें से 1 वर्सेस 1 हो जाएगा, तो एक जीतेगा और एक हारेगा। अब बच गए 2 लोग, अब इन 2 में से 1 वर्सेस 1 हो जाएगा, दैट इज़ एक मैच और हो जाएगा जिसमें से एक जीतेगा और एक हार जाएगा, तो फाइनली ये जीत गया, है ना। तो टोटल मैचेस कितने हुए, टोटल मैचेस कितने हो गए, इन सबको प्लस करते चले जाओ, 75 प्लस 37 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस, और ये 2 मैच और हुए यहाँ पे, है ना, 2 मैच और हुए यहाँ पे, तो ये जो 2 है वो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ मैं। अब इनको सम करो, करो जरा फटाफट जल्दी से, 75 प्लस 37 कितना आता है, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 1 8 प्लस 3 11, तो 112 प्लस 19, 9 प्लस 2 11, 131 प्लस 9 140, 140 प्लस 5 प्लस 4 9 प्लस 9, तो 149, तो टोटल मैचेस कितने हो गए, 149। बात समझ में आई, टोटल मैचेस कितने हो गए, 149, क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि क्या है, एक्स एक इंटीजर है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 2 स्टेटमेंट दिए, क्या स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 दिया है कि x बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर, और दूसरी स्टेटमेंट दी है 3x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो करते हैं भाई, ट्राई करते हैं, x बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर, अच्छा ये एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब जो x है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, और बोला 3x एक इंटीजर है, तो क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट से ये बोल सकते हैं कि x एक इंटीजर है, क्या ऐसा बोल सकते हैं, तो आंसर है नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मान लो x 2 बाई 3 हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो x 2 बाई 3 हो गया, तो x को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 बाई 9 आएगा, वो एक इंटीजर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है इंटीजर, 2 बाई 9 तो इंटीजर थोड़ी है, बट अगर 3 इंटू x करो तो 3 इंटू x करोगे तो 3 इंटू 2 बाई 3 आ जाएगा, जो कि 2 आएगा, विच इज़ एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है ना, बात समझ में आ रही है, एक इंटीजर है तो ये ट्रू है, क्लियर है बात। तो हम कुछ बता नहीं सकते बेसिकली, इन दोनों स्टेटमेंट से यूज़ करके हम कुछ नहीं बता सकते कि x एक इंटीजर है कि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, क्लियर है बात।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमको ऐसे तीन डिजिट नंबर बनाने हैं, हमको ऐसे तीन डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है, हमको ऐसे तीन डिजिट नंबर बनाने हैं। हाउ मैनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हर एक डिजिट ऑड है पहली बात, तो 1 से लेकर 9 तक कितनी ऑड डिजिट्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है और 9 है ना, ये सारी डिजिट्स ऑड हैं, तो इन पांचों में से कोई तीन यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। अब दूसरा हमसे ये बोला गया, अच्छा रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, मतलब हर डिजिट अलग अलग है, ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से अगर डिविजिबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे नंबर 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए तभी डिविजिबल है, तो एक तो हट गया, बचा 1, 2, 3, 4, इन चार में से कोई दो यहाँ पे रखने हैं, तो फिर तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे कितने नंबर आप रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे चार नंबर में से कोई भी रख सकते हो, और यहाँ पे कितने नंबर रख सकते हो, जो यहाँ पे रख लिया वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे तीन नंबर रख सकते हो, तो टोटल वेज कितने हो गए, 4 × 3 दैट इज 12। यहाँ पे चार नंबर पॉसिबल है, यहाँ पे तीन नंबर पॉसिबल है और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 × 3 दैट इज 12। तो टोटल कितने नंबर्स बन गए हमारे, 12 भी होगा ना, यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन, हाँ सही तो है, ठीक है। रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, सही है, ठीक है। जैसे एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, मैं डाउट है मेरे को कि ये आंसर सही है कि नहीं, यस है ना, दिस इज राइट, इट इज 12 है ना, तो 12 है इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25% है ना, तो एक आइटम है जिसके प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हुई है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, कैसे, मान लो आपकी प्राइस एक्स था, ठीक है, तो एक्स में आपने 25% बढ़ाया, तो अगर किसी चीज़ में आप 25% बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 125/100 डायरेक्टली, तभी तो है ना, बात समझ में आ रही है, 25% बढ़ाया, 100% था, 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया ना, तो वैल्यू कितनी हो गई, 125/100, तो 25% जब आपने बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू हो गई 125/100। अगर इसको कोई किसी को ये दिक्कत हो रही है कि ये कैसे लिखा है, तो कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ, आपने 25% बढ़ाया इसका है ना, तो फाइनली ये जो आया ये क्या आएगा, 125/x ये आ जाएगा ना, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, आपको भी ऐसे डायरेक्टली लिखना है, ये सब करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप ऐसे लिखो 25% बढ़ा तो अच्छा फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 125/100 डायरेक्ट, ठीक है। अब अच्छा ये सब इस वैल्यू का हो रहा है ना x का, अब बोल रहा गया है इसके बाद प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%, तो इसका 20% डिक्रीज हुआ तो फाइनल वैल्यू कितनी बची, 80%, तो 80/100 इंटू ये ओरिजिनल वैल्यू, इसका हमने 20% कम किया है ना, तो फाइनल वैल्यू कितनी बची, 180/100 यहाँ पे 125/100 इंटू एक्स, ठीक है, एंड अगेन इज इंक्रीज बाय 10%। अब इसका अभी फिर से हमने 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाया तो क्या हो गया, इस वैल्यू का 110/100 हो गया है ना, ये मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 110/100 इंटू 80/100 इंटू 125/100 इंटू एक्स, ये फाइनल वैल्यू आ गई, इनिशियल वैल्यू एक्स थी, फाइनल वैल्यू ही आ गई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ ये काट दो यहाँ से, ओप सॉरी ये नहीं कटेगा, है ना, तो ये दो जीरो काट दिए मैंने यहाँ से, और 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 20, और 5 × 5 = 25 अगेन, 5 × 4 = 20, 4
टू ज़ा एट, टू फिफ्टी ज़ा फाइव, टेन ज़ा, है ना। तो ये आ गया 11x/10, है ना। 11x/10 आ गया, ये कितने परसेंट है, ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ है, हमको दिख रहा है 11x/10 है, तो इंक्रीज़ कैसे निकालोगे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 10%। भाई भाई कितना आ जाएगा, 10%, क्लियर है बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द लेटर्स ए बी सी डी ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, है ना। तो ए और ई के बीच में एग्जैक्टली दो लेटर्स हैं, ठीक है, और टोटल लेटर्स कितने हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये टोटल लेटर्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कितने बच गए, एक दो तीन चार हो गए, टोटल पाँच हैं, तो पाँचवा या तो यहाँ पे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये, या फिर पाँचवा और कहाँ आ सकता है, पाँचवा या तो यहाँ पे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना, या तो पाँचवा यहाँ पे आ सकता है, तो पाँचवा यहाँ पे आ सकता है। तो इसमें देख लो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो यहाँ पे सब हर जगह ना अलग अलग है, तो मान लो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। तो इन तीन यहाँ पे ये फिक्स है, ये और ये फिक्स है ना, तो इन तीनों को अरेंज करने के कितने वे हो गए, फैक्टोरियल 3, ये बता चुका हूँ मैं परम्यूटेशन में, है ना। अरेंजमेंट के कितने वेज होते हैं, फैक्टोरियल एन, एन ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको लाइन में अरेंज करना है तो कितने वेज हैं, फैक्टोरियल एन। तो इन तीनों को आपस में अरेंज करने के कितने वे हो गए, फैक्टोरियल 3, और ए और ई को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 2। तो टोटल कितने हो गए, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा ये, 6 2 12, 3 2 6, 6 2 12, ये हो जाएगा 12, है ना। और ऐसे ही इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, दैट इज 12, तो 12 और 12 मिला के कितने हो गए, 24। तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 24 वेज, आंसर इज 24, क्लियर है बात, टोटल कितने तरीके हो गए, 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए बी एंड सी आर थ्री प्लेसेस सच दैट देयर आर थ्री डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए से लेकर बी तक तीन अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3, इन तीन तरीकों से आप जा सकते हो। बी से लेकर सी तक चार अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3 और 4, चार अलग अलग तरीके हैं, राइट। और ए से लेकर सी तक थ्री डिफरेंट रोड्स हैं, 1, let's say 2 and 3, ठीक है। तो पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन रीच ए टू सी, तो ए टू सी रीच करने के क्या तरीका है, ए से बी रीच करने के कितने तरीके हैं, 3, और बी से सी रीच करने के कितने तरीके हैं, 4, तो 4 × 3, ये 12 तरीके तो हो ही गए, अगर ए से सी पहुंचना है, कैसे हो गए, आप पहला रूट लो यहाँ से और यहाँ से पहला रूट लो, एक तरीका, आप यहाँ पहला रूट लो, यहाँ पे दूसरा रूट लो, दूसरा तरीका, यहाँ पे पहला रूट लो, यहाँ पे तीसरा रूट लो, तीसरा तरीका, यहाँ पे पहला रूट लो, यहाँ पे चौथा रूट लो, चौथा तरीका। तो एक के साथ ऐसे चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे ही तीन के, मतलब इसके साथ भी चार होंगे और इसके साथ भी चार होंगे, तो टोटल मिला के कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 12। अब 12 ये तो हो ही गई, पर साथ में ये भी तो हैं, ए से सी डायरेक्ट भी तो जा सकते हो 1 2 3 तरीकों से, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 12 + 3, दैट इज़ 15, तो टोटल हो गए 15 तरीके, समझ में आई बात। ए से लेकर सी तक जाने के कितने तरीके हो गए, 15 टोटल वेज, क्लियर है बात, तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए हैज सम कॉइन्स, ओके, ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी, ओके। तो एक काम करते हैं, ए लिखते हैं, कितने लोग हैं, बी सी और डी, है ना। तो ए के पास लेट से थे कितने, यहाँ पे लिख देते कॉइन्स, यहाँ पे लिख देते लेफ्ट, कितने बचे, ए के पास थे एक्स कॉइन्स, है ना,
मान लेते हैं ए के पास एक्स कॉइन्स थे, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू बी, तो इसने आधे मतलब एक्स बाई टू और साथ में दो और ये बी को दे दिए, है ना, तो इसके पास कितने बचे, इसमें से ये वाली क्वांटिटी माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ऑफ एक्स बाई टू प्लस टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बाई टू माइनस टू, तो इसके पास इतने बच गए, एक्स बाई टू माइनस टू बच गए इसके पास, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी ने भी आधे दिए कॉइन्स और दो मोर टू सी, बी ने इसका आधा मतलब हाफ ऑफ दिस प्लस टू दिया, तो इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, बी के पास कितने थे एक्स बाई टू प्लस टू, इसका आधा और दो साथ में और, ये इसने सी को दिए, तो कितना हो गया एक्स बाय फोर प्लस वन प्लस टू विच इज एक्स बाय फोर प्लस थ्री, ये इसने सी को दिए, तो बी के पास कितने बचे, बी के पास बचे एक्स बाय टू प्लस टू माइनस एक्स बाय फोर माइनस थ्री, यह आया एक्स बाय फोर माइनस वन, है ना, ये बच गया इसके पास। अब सी ने क्या किया, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू डी, सी ने भी आधे एक्स बाय फोर प्लस थ्री जो है, सॉरी जस्ट अ मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं, सी ने एक्स बाय फोर प्लस थ्री इसका आधा प्लस टू ये दिए किसको, ये डी को दे दिए, तो कितने दिए डी को, एक्स बाय एट प्लस थ्री बाय टू प्लस टू विच इज एक्स बाय एट प्लस सेवन बाय टू, तो सी के पास कितने बचे बेटा, सी के पास बचे एक्स बाय फोर प्लस थ्री माइनस एक्स बाय एट माइनस सेवन बाय टू, इतने बचे, तो कितना आ जाएगा एक्स बाय एट प्लस प्लस नहीं आएगा सॉरी माइनस आएगा, थ्री माइनस सेवन बाय टू कितना होता है माइनस वन बाय टू, तो कितने बचे एक्स बाय एट माइनस वन बाय टू, है ना। फिर डी ने क्या किया, डी डी द नंबर डी द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो सकता है, टेन, टेन से नीचे तो वन डिजिट नंबर होता है, तो डी के पास अब कितने हैं, डी के पास टोटल टेन है, तो पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगनिंग, तो ए के पास एक्स कॉइन्स है तो यहाँ से निकाल लो, तो एक्स बाय एट प्लस सेवन बाय टू ये कितना होना चाहिए, टेन होना चाहिए, तो एक्स बाय एट जो है वो कितना होना चाहिए, टेन माइनस सेवन बाय टू, 20 माइनस सेवन दैट इज 13 बाई टू, तो यहाँ से 4 कटा, x इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 13 विच इज 52, तो इसके पास होने चाहिए 52 पॉइंट्स।